यस, तो ये फर्स्ट रूल है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड रूल की। सेकंड, ठीक है, सेकंड रूल क्या है? द इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेम ग्रुप, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उनमें सेम ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, सेम ग्रुप ऑफ द सेम ग्रुप हैविंग द इलेक्ट्रॉन अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इन सेम ग्रुप हैविंग द इलेक्ट्रॉन अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, उनका हैव कॉन्ट्रीब्यूशन, हैव कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू हैव कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू 0.35 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स सिग्मा, ठीक है, सिग्मा मीन्स कॉन्स्टेंट। तो जो मैं अभी इसे सब एक्सप्लेन कर दूंगा, जो एक एग्जाम्पल लिखेंगे उससे एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड रूल, थर्ड, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1 शेल, n-1 शेल वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, n-1 इन विच प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन विच इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व अंडर ऑब्जर्वेशन इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन अंडर ऑब्जर्वेशन इज प्रेजेंट, मैं लिख दूंगा लास्ट में, ठीक है, शेल have contribution, have contribution equal to 0.85 for each electron, for each इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टुवर्ड्स सिग्मा, ठीक, ये है थर्ड। इसके बाद फोर्थ, फोर्थ रूल, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-2 शेल, n-3, n-4 शेल, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू द न्यूक्लियस हैव कॉन्ट्रीब्यूशन, हैव कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू 1 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, वही टुवर्ड्स सिग्मा जो हमने लिखा है, ठीक, यह तो ये रूल्स हैं, ठीक। अब इन्हीं रूल का यूज़ करके हम एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे हमने क्या एग्जांपल लिया, ZN का एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक, मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल, ठीक, find out the Z effective for 4s electron of zinc,
जिंक के 4s इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्या सॉल्व करना है, जेड इफेक्टिव सॉल्व करना है. तो वी हैव टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फर्स्ट. जिंक हैज एटॉमिक नंबर 13. वी हैव टू राइट डाउन द कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. According to the above principle, Hund's maximum principle, Hund's rule, Pauli exclusion, all these rules, by the using of all these rules, we have to write down the electronic configuration. 4p0, 4pd0, 4d0, 4f0. जहाँ अगर लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम. अब नाउ द अरेंज इन रूल ग्रुप्स. आपको जो स्लेटर रूल है वो यूज़ करना है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद. तो अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल देयर आर ग्रुप्स. ये ग्रुप्स होंगे, ये ग्रुप्स होंगे, ये अलग होगा, ये दोनों ग्रुप होंगे, ये अलग होगा, ये अलग होगा. इस तरह से हमने ग्रुप्स, आगे वालों को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, फिर भी मैंने बताने के लिए लिख दिया है. ठीक है, अब देखिए, अब हम इसे जेड इफेक्टिव सॉल्व करेंगे. इसका जेड इफेक्टिव, ठीक है, जेड ई एफ ए पूरा लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं. जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ठीक है, और जेड की वैल्यू क्या है, 30, एटॉमिक नंबर 30 है, माइनस. अब सिग्मा हमें सोल्व करना है, ठीक है, सिग्मा हमें सोल्व करना है. और किस इलेक्ट्रॉन पर सोल्व करना है, इस पर 4s के इलेक्ट्रॉन पर सोल्व करना है. ठीक है, 4s का इलेक्ट्रॉन. तो ये हमारा कौन सा है, ये वाला nth ग्रुप है, ये nth ग्रुप है n, ठीक है, n यानी फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, nth ग्रुप है. इसके राइट साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस nth के राइट साइड में, यहाँ से राइट साइड में 0, 0 × 0. अगर ये इलेक्ट्रॉन्स होते भी यहाँ पर, तो हम क्या करते, 0 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि इसके राइट साइड वाले सारे 0 होंगे, ठीक है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 0 होता है. अब बात करते हैं विद इन द सेम ग्रुप. लिखा हुआ ना, द सेकेंड रूल क्या है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप, सेम ग्रुप में ही, यानी है जिसमें क्या प्रेजेंट है, हैविंग द इलेक्ट्रॉन अंडर ऑब्जर्वेशन. तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये अंडर ऑब्जर्वेशन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो एक्सेप्ट दिस, ठीक है, एक्सेप्ट दिस, इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो. इसके अलावा कितने इलेक्ट्रॉन है, अदर देन वन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो हम सोल्व कर रहे हैं, ये तो अंडर ऑब्जर्वेशन है, इलेक्ट्रॉन अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो इसे छोड़ दो, इसे तो काउंट नहीं करते हैं. उसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1 × 0.35, अदर देन दैट इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम ग्रुप, ठीक, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हैव कॉन्ट्रीब्यूशन. तो इलेक्ट्रॉन जो भी है, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन, मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन्स, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, दैट वन इज अंडर ऑब्जर्वेशन, दैट वन इज अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो. तो ये याद रखना इसके लिए, ठीक है. तो इस इलेक्ट्रॉन को हमने छोड़ दिया एक को, लेकिन एक तो है, एक को काउंट कर लिया प्लस. अब इसके बाद में हम चलते हैं एन माइनस वन, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंटेड एन माइनस शेल. तो ये है एन नंबर शेल, ठीक है, तो एन इक्वल टू क्या है इसका, 4. इसका एन इक्वल टू 4 है, एन इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब एन माइनस वन क्या होगा, ये सब एन माइनस वन, एन माइनस वन, क्यों, क्योंकि एन माइनस वन क्या होगा, 3. ये सब क्या होंगे, एन माइनस टू, और ये क्या होगा, एन माइनस थ्री, ये एन माइनस थ्री होगा. तो एन माइनस वन वालों का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना, देखो 0.85. कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10, 6, 12, 18, 18 × 0.85, ठीक है, प्लस. अब n माइनस टू, इसके बाद वो क्या कहता है, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर, शेल वालों का अप टू न्यूक्लियस, जब तक खत्म नहीं हो जाते हैं, न्यूक्लियस आ गया यहाँ पर, वन के बाद न्यूक्लियस आ जाएगा. तो इन सब का n माइनस टू में कितने, 6, 2, 8 और 2 = 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10. और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 1, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है 1, ठीक. तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 30 माइनस, ये तो 0 है, ये 0.35 है, 0.35, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 × 15.18, 95, 0.
इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18.0.85 आता है, 15.3 15.30, ठीक है, और प्लस ये तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 30 माइनस, तो ये हो जाएगा कितना, 3 15 10 25, और ये हो गया 25.33665। और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 35, और ये बचेगा कितना, 29 और 25 4 4.35। तो 4.35 यानी कि इस पर जिंक के, जिंक का न्यूक्लियर के पास 30 प्रोटॉन्स है, जिंक हैज 30 प्रोटॉन्स, लेकिन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पर इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, 4.35 होगा, 4.35, ठीक है, यानी केवल 4.35 फोर्स इस पर ये अप्लाई कर सकता है अट्रैक्शन का लास्ट, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। यानी कि इसके पास 30 प्रोटॉन्स हैं, लेकिन वहाँ तक जाते थे अंदर के इलेक्ट्रॉन उसे इतना शील्ड करते हैं, इतना प्रोटेक्ट करते हैं, रिपेल करके न्यूक्लियस से बचा कर इतना रखते हैं कि केवल उस पर 4.35 प्रोटॉन्स के इक्वल का ही चार्ज आता है और इसे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना ईजी होता है। तो इस तरह से आप किसी भी एस में या किसी भी पी में आप सॉल्व कर सकते हैं, एस या पी वाले रूल है ये, ठीक, क्लियर, ये सॉल्व कर। अच्छा, इसमें एक हीलियम के लिए अलग है, एक्सेप्शन है, ठीक है, फॉर हीलियम, ठीक है, हीलियम में क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, ठीक, इसमें सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका अगर कॉन्ट्रीब्यूशन हम जेड इफेक्टिव सॉल्व करें, जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना होता है, 2 माइनस। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन तो अंडर ऑब्जर्वेशन है, 1 इलेक्ट्रॉन इज अंडर ऑब्जर्वेशन, और एक इलेक्ट्रॉन बचता है, तो एक के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू क्या, 0.35, नहीं, इसके लिए लिखते हैं 1.1 इंटू 0.3। तो इसे याद रखना कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, हीलियम या हीलियम जैसा कोई होगा तो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट 0.30 होता है, एक्सेप्शन है ये, ठीक है, ओनली फॉर हीलियम एंड लाइक, मतलब लाइक 1s2 कॉन्फिग्रेशन ऑर्बिट, फॉर 1s2 कॉन्फिग्रेशन में लिख दूंगा, तो ये 1.7 आता है, ये किसके लिए है, फॉर 1s2 कॉन्फिग्रेशन ओनली, ये केवल 1s2 वालों के लिए है, जिसके पास 1s2 होगा केवल उसी के लिए, ठीक है, बाकी किसी के लिए यूजफुल नहीं है ये वाला पार्ट, तो इसलिए मैंने अलग से लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा रूल लिखते हैं, ठीक, सेकंड रूल, वो मैंने इसमें पहले से ही लिखा हुआ है, क्योंकि सेम ही रूल थे इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया वो रूल, ठीक है। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, फॉर एनडी और एनएफ और एनजी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एस या पी में नहीं है, जैसे यहाँ पर कहाँ था इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पर था एन एस सब शेल में था या पी सब शेल में था, तो एस सब शेल और पी सब शेल का रूल एक जैसे होते हैं, लेकिन इफ़ द इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी सब शेल, एफ सब शेल, जी सब शेल, जी का तो वैसे यूज़ नहीं होगा, लेकिन डी और एफ का तो यूज़ होगा, ठीक है, इन में प्रेजेंट है, तो रूल्स टू कैलकुलेट द सिग्मा, सेम वैसे ही रूल्स टू कैलकुलेट द सिग्मा फॉर दैट इलेक्ट्रॉन अंडर ऑब्जर्वेशन, जो भी अंडर ऑब्जर्वेशन है, विच इज़ प्रेजेंट इन एन डी सब शेल और एन एफ ऑर्बिटल या सब शेल में जो प्रेजेंट होगा, उसके लिए क्या रूल है। तो इसके लिए रूल क्या होता है, सिलेटर के वही रूल है, फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल आर सेम, मैंने लिख दिया इसलिए चलो इसे दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा फर्स्ट रूल सेम वही है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट टू द राइट साइड, प्रेजेंट टू द राइट साइड, यानी एन नंबर क्या था उसका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, तो उसके राइट साइड में जितने भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड में जो भी प्रेजेंट होगा, ठीक, ये लिखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वैसे मैंने लिख दिया है कि n प्लस, मतलब प्लस वाले राइट वाले, वो तो n ऑर्बिट है, तो n उसके राइट साइड वाला जो भी हमारे पास रहेगा उसका रिजल्ट क्या होगा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक। तो ये लिखना चाहें लिखें n+1 n+2, ठीक है, या नहीं लिखना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड ऑफ दैट ग्रुप, ठीक, मैं लिख देता हूँ ऑर्बिट और ग्रुप, कुछ भी होगा राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर कुछ भी होगा, ग्रुप है या ऑर्बिट है उसका, ऑफ द ग्रुप कंटेनिंग हैविंग नो हैविंग द इलेक्ट्रॉन अंडर ऑब्जर्वेशन हैव जीरो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सिग्मा, उसका सिग्मा के टुवर्ड क्या होता है, कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता जो राइट हैंड साइड पर होता है। किसकी बात कर रहे हैं, ऑफ द ग्रुप,
जिसमें इलेक्ट्रॉन अंडर ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट है उसके, मैं भी एग्जांपल से समझा दूंगा इसे, ठीक है। तो राइट साइड वाला मतलब वही पहला रूल वही है, सेकंड रूल भी वही है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम ग्रुप एक्सेप्ट द वन विच वन इज अंडर ऑब्जर्वेशन, एक को छोड़कर बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू द 0.35, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू 0.35 होगा फॉर ईच इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स सिग्मा, मतलब वही फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड रूल आर सेम, फर्स्ट सेकंड में कोई डिफरेंस नहीं है बस। अब आगे जाकर जो रूल बनते थे उसमें थर्ड और फोर्थ जो रूल लिखे हैं वो दोनों चेंज हो जाएंगे, उनकी जगह एक नया रूल आ जाएगा उनके प्लेस पर, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू द न्यूक्लियस हैव कॉन्ट्रीब्यूशन, ये क्या है शेल है, एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री ऑर्बिट या शेल, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू द न्यूक्लियस, जितने भी होते हैं सबका कॉन्ट्रीब्यूशन वन होता है, मतलब इसमें कोई 0.85 नहीं है, सीधा सभी को वन लिख दो तो ये ज़्यादा ईजियर है, इट इज़ मच ईजियर। जैसे अब जेड वही जिंक ले लेते हैं, जेड एन जिंक जेड एन 30 एटोमिक नंबर, कॉन्फिग्रेशन सेम वैसे लिखा 1s2 2s2 2p6, ठीक है उसी तरह से लिखा। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, ये इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, किस में हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, मान लेते हैं nth इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को सॉल्व कर रहे हैं, डी इलेक्ट्रॉन को लिया सॉल्व कर रहे हैं, तो डी इलेक्ट्रॉन के राइट साइड में, अब देखो इसके राइट साइड में मार्क कर देता हूँ, ये है इसके राइट साइड, इस लाइन के राइट साइड, ये है राइट साइड, तो राइट साइड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये n प्लस वन है, या आगे लिखो या नहीं लिखो, मतलब n इसमें n प्लस वन लिखें नहीं लिखें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये सब राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड टू द n, n के राइट हैंड साइड में प्लस में जो भी आ जाएगी वैल्यू वो सब राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड वालों का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जीरो, देखो लिखा है 2 × 0, हमने इलेक्ट्रॉन या अंडर ऑब्जर्वेशन है, 3D इलेक्ट्रॉन क्या है ये, अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन, ये इलेक्ट्रॉन अंडर ऑब्जर्वेशन है, यानी जिस पर हमें सॉल्व करना है, जेड इफेक्टिव सॉल्व करना है, तो राइट हैंड साइड इसके राइट में जो भी होंगे उनका सबका जीरो, जैसे यहाँ 2 है तो जीरो, मान लो 6 होता 10 होता कुछ भी होता सभी का इफेक्ट जीरो, यानी बाहर वाले अंदर वाले पर इफेक्ट नहीं करते, इनर वाले इलेक्ट्रॉन अफेक्ट द आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ इनर, इनर की वैल्यू को वो चेंज नहीं करते, तो 2 हो गया, ठीक है 0 × 0। अब इससे इसके साथ इसी सेम ग्रुप में विद इन द सेम ग्रुप लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम ग्रुप एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, तो आउट ऑफ 10 एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो कितने बचे, 9 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो 9 × 0.35 क्योंकि एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 0.35 है प्लस। अब इसके बाद जितने भी अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है, एन माइनस वन ग्रुप या एन माइनस वन ऑर्बिट शेल जो भी प्रेजेंट है, शेल और ग्रुप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, वहाँ ग्रुप नहीं लिखना था वहाँ पर सिर्फ शेल लिखना था, यहाँ आप शेल लिखो या ग्रुप लिखो, यानी जितने भी इसके बाद वाले बचे हुए हैं सब अंदर जितने भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मतलब ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एन माइनस टू और लोअर शील्ड कम्प्लीटली, ठीक है, तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्रुप लाइंग इन लेफ्ट टू द एन डी और एन एफ, ठीक है, जितने भी इसमें प्रेजेंट होते हैं सारे ग्रुप्स के, ऑल द ग्रुप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल ग्रुप्स ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ All groups to the left side of ND or NF electron. ND या NF के left side में जो भी होंगे, जैसे N minus कुछ भी लिखो मत लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इन सब का रिजल्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सभी का रिजल्ट क्या आने वाला है, ये लेफ्ट साइड है, ये है लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट साइड है, इसके लेफ्ट साइड जो ये ऑब्जर्वेशन में है इसके लेफ्ट साइड में है, तो इन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन वन होगा, तो ये ज़्यादा ईजी है, इसमें कुछ काउंट ही नहीं करना, इससे लेफ्ट में जितने भी होंगे सबको काउंट करो, 8, 10, 16 to 18 मैंने पहले लिखा हुआ है, 18 × 1, ठीक है, रिजल्ट क्या आ गया 18, और इसे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया 3.15, ऐड किया 21.15, 8.85, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन पर 8.85 का क्या है अट्रैक्शन, ठीक है 8.85 का, क्लियर। तो इस तरह से आप क्या सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, पर ध्यान रखना यहाँ क्या है, जब NS और NP की बात करते हैं तो जिसमें भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मान लो इसको सॉल्व करना है,
इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन को या इसके इलेक्ट्रॉन को सॉल्व करना है। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन को सॉल्व करेंगे तो इसके राइट साइड में ये सब है, 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन है, इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इनका कोई भी रोल नहीं होगा इन 12 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, कोई भी काम नहीं है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो अंडर ऑब्जर्वेशन है, चाहे वो इसका हो या इसका हो, एक इलेक्ट्रॉन अंडर, बचे कितने, 6 8 में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया 7, इन 7 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो होगी 0.35 क्योंकि सेम ग्रुप के हैं। उसके बाद इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 3 है, तो 3 से छोटे वाला 2, ये हो जाएगा n-1, ये n-1 हो जाएगा इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए, n-1 हो जाएगा, तो इसके कंट्रीब्यूशन कितना होगा इसका 0.85, यानी 8 × 0.85। और इसके बाद वाले ये सारे जितने भी बचे उन सबका कंट्रीब्यूशन 1, 2 ही बचे तो 2 × 1। तो इस तरह से आप इस इलेक्ट्रॉन पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉन पर सॉल्व करेंगे तो बस यहाँ पर शेल ध्यान रखना, ठीक है, और इसमें इस वाले केस में तो हमें कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बस जिस राइट साइड वालों का इसके राइट में जो भी है कोई यूज़ नहीं है उनका, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, और इसके लेफ्ट वालों का जितने भी प्रेजेंट होंगे सबका कंट्रीब्यूशन 1 होता है, और इसके अपने वाले ग्रुप वालों का कंट्रीब्यूशन 0.35 होता है। राइट का कोई रोल नहीं, लेफ्ट वाला सीधा फिक्स 1 हो गया, और विद इन द सेम ग्रुप क्या आ गया 0.35, ठीक है। तो इसे सॉल्व करना ईजियर होता है, तो इसलिए डी वालों को ज़्यादातर नहीं पूछते हैं क्वेश्चन, कब नहीं लिखा हुआ, एस वालों का पूछा जाएगा, एस का या पी का, तो उसका आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो इससे आगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ तो है ही, वो हमने नेक्स्ट लेक्चर वो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, ओके, गुड डे।